गुड मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज है 30th ऑफ दिसंबर और हम लोग जा रहे हैं सेलिब्रेट करने न्यू ईयर कोंकण में। अब कोंकण में कहाँ जा रहे हैं ये तो व्लॉग के एंड में ही पता चलेगा। आज फर्स्ट टाइम अपनी गड्डी में फ्लड सिचुएशन में जो रिपेयर हुआ है उसके बाद लॉन्ग ड्राइव पे लेके जा रहा हूँ। इसमें बहुत से प्रॉब्लम्स मैंने नोटिस कर लिए हैं जो कि मैं शोरूम में जाके दिखाना चाहता था लेकिन मुझे टाइम नहीं मिला। लेकिन अब अच्छी चीज़ ये है कि मैं इसे लॉन्ग ड्राइव पे लेके जा रहा हूँ और जो भी छोटी मोटी चीज़ें आएगी, आई होप छोटी मोटी आए तो वो भी मैं शोरूम को रिपोर्ट कर सकूँ। सो यस, वी आर वेटिंग फॉर महेश इन हो गया। तो जितने लोग पूछते हैं ना कि हम लोग इतने लोग हैं उतने लोग हैं, बहुत सामान आता है भाई, टेंशन मत लो। ओके गाइस, निकल चुके हैं। हमी रिकॉर्डिंग या सातारा रोड से ट्रिप स्टार्ट हो चुका है हमारा। अवर फाइनल डेस्टिनेशन इज गोइंग टू बी पालनदे दापोली, जो कि है मेरे घर से था 190 समथिंग, यहाँ से 180 होगा। अभी मेरे को गर्म हो रहा है। कैमरा चले ले पिक्चर पिक्चर पिक्चर। ओके, आई विल सी यू वंस वी आर ऑन द हाईवे। गाइस, हमने थोड़ा सा सामान को फिर से रीएडजस्ट किया है। यहाँ पे वो बड़ा वाला बैग आ गया है, 2-3, मेरा टैंक बैग भी आ गया और मेरा बैग भी आ गया। इसमें कपड़े लैपटॉप सब इसमें है। इसमें महेश, उसकी दो बेटियाँ और उसकी बीवी, चारों का सामान आ गया है। तो यार आज अभी मेरे को ठीक लग रहा है, अभी कोई टेंशन नहीं है। ऑल राइट, बूट एक बार फिर से सेट करने के बाद हम लोग निकल चुके हैं फिर से। कात्रज घाट में है हम लोगों को आज लेट हुआ है निकलते। इट्स 11:15 एंड वी आर स्टिल इन कात्रज घाट। और आज अजिंक्य ने कुछ भी नहीं किया बेचारे, आज सिर्फ महेश का गलती है। Yes, तो हम लोग भोर घाट से जाने वाले हैं आज। तो हाईवे का जर्नी हमारा बहुत कम रहने वाला है, सब ऐसे ही रोड्स है।
देखते हैं ट्रैफिक एक बार खत्म हो जाने दो। कैंडल्स भी है। ओके गाइस, देख सकते हो शिवापुर टोल नाका, हालांकि हमें भरना नहीं क्योंकि पुणे को MS-12 की गाड़ी को दिस इज नॉट मैंडेटरी, लेकिन फिर भी ट्रैफिक क्या यार, कब फुल फ्लेज फास्टैग शुरू होगा ना पता नहीं महेश। ऑलराइट गाइस, हमने हाईवे छोड़ दिया है और बोर के रास्ते पे हम लोग चल पड़े। फिलहाल तो रास्ता ठीक है ना, आई होप कि ऐसा ही रहे। देखेंगे रोड कैसा है रे। फर्स्ट पार्ट इज गुड, बाद में इट इज लिटिल। बाद में मतलब व्हेन? लाइक 40 किलोमीटर अरे रे रे, मेबी स्ट्रेट टू प्रिसाइज सांगितलं 14 किलोमीटर विच इज क्लोज। गूगल मॅप रट्टा मार के आया है। रास्ते के बारे में बोल रहा हूँ, छोटा सा फेस्ट है ऐसा बहुत सारा दर्द है ना यार। अच्छा डॉगी का इनका रॉकी ना, उसका रॉकी चेन का जर्मन शेफर्ड का ऐसा चेन पहना है गले में सोने का जर्मन शेफर्ड। अरे रे 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 भाई तू कुछ भी कर। अरे सेज ऑफिसर ची गाड़ी जाऊं देते हैं साले। सेज ऑफिसर भी आज अपन ने वो ड्रम कार्ड खेला नहीं अपना सेज ऑफिसर वाला। किधर भी नहीं चलता वो ऐसा ब्लैंक कार्ड, मेरा वॉचमैन भी नहीं लेंगे वो ऐसा कार्ड नहीं रे, उसका एक रीजन है वो मार्च में एक्सपायर हो गए इसीलिए। ये साइड तो वही चल क्या देखा ना क्या गाइस, खुद ही ठोकी हो गाड़ी को और पागल औरत है ना सातवीं फेल। ए अरे करेक्ट चल रहे हो ना, मला नाही आठवत कारण हा रोड। ओ हो आहे बरोबर चालू। तुला कसं माहिती, तू भोरला आलेला पण नाहीये कधी? मॅप बघतोय ना, गणेश पेठ लिहिले ना, गणेश पेठ, गणेश पेठेत लेफ्ट। भाई साहब गुगल मॅप्स ने जहां से निकला है ना वेड अप्रतिम, तेरी तेज सगळे मध्ये का थांबतं तिथे रे। बेबी दीदी बोल करते ना तू, तुम्ही तर आता ओ तेरी फिर से तेरी आता आता बेटा बेबी को उधर दो। हाँ रास्ता बोलो मेरे को। तू डटा बस जा जा सीधा जा अंटिल आई टेल यू टू ले ले चल एक टर्न ना समथिंग टर्न टर्न जा बेटा उधर। मामा पास मामा पास आरो इधर आओ आरो आरो इसको देखा शायद। हाँ मैं पता देखा पहले। हाँ बोलो उसने डटा बस वही दरअसल ये बंद करो डबल क्या नहीं रे नहीं ना पूछ रखते पुढे बघून चालायची पद्धतच नाही। अरे देवा जाऊ दे जाऊ दे थांब बाबा। शादी जाईल का जाईल का वेल स्ट्रेट के लिए काकल मारे सर्कल ला थोड़ा खातिर ना काकी उतर रही है काकल जाएगा तो काका ने उतरा ना सुने तो बोल तो मारने ही मत जलेबी ए अर्शोगर सॉरी यो अरे दिखता ही नहीं मेरे को आईना नहीं था आईने में देखते तो उस वो औरत पीछे क्यों देख रही थी फिर अरे नहीं यस द पर्सन इज अ रियल डीप ट्रेजेडी और डिप्रेशन लोग तेने वाला इतना हद तक तो तम म्हणून नको
Hey, GoPro, stop recording. GoPro, stop recording. और भाई साहब, हम लोग ये ग्रीन विला समथिंग है, यहाँ पे खाना खाने रुके हैं, बट आई एम टेलिंग यू, गाड़ी मैंने पार्क कर दी है हल्की सी छाँव में. रास्ता ऐसा था ना भाई, अब तक आई डोंट नो समथिंग 80 किलोमीटर्स भी कवर नहीं हुए, उसमें से 20 किलोमीटर्स हाईवे था. 60 किलोमीटर्स में जो लग गए ना, ये महाड़ का रोड मतलब ये पहले से ऐसा ही है यार, बस ये सुधरना चाहिए. अब ये काफ़ी अच्छी जगह है, ग्रीन विला करके है. पुणे से आप जब दापोलिया पालंदे जाते हो तो भोर गांव के बाद अराउंड 20 किलोमीटर्स बाद ये आता है. दिस इज़ ऑसम. आई मीन अब बस खाने का टेस्ट अच्छा होना चाहिए, मज़ा आ जाएगा. आई विल बी पोस्टेड. इज बी ई ए ब्यूटिफुल. सुंदर आहे तुमचं हे प्रीमायसेस. हो का? हो, जबरदस्त. चिकन चिकन. खाने के बाद मेरा क्या होने वाला है पता नहीं, क्योंकि कल रात से मैं सोया नहीं हूँ. मेरे को नींद आने वाली है. आई नो यार. ठीक है, सहलेंगे थोड़ा. हाँ, हैशटैग फ्राइंग बीस्ट, सहलेंगे थोड़ा. सॉरी यार, मेरा तो खाना हो गया, कुछ छूट नहीं कर पाया. चिकन थाली ऐसा है. हाँ, मस्त था भाई साहब. क्या खाना हुआ है. आई थिंक मैंने रिस्क लिया यार. कोणाला? हाँ चालेल ना. हो भाइयों, मैं आपको एक बोलता हूँ प्रॉब्लम. सबसे पहली इसके साथ, इंफोटेनमेंट सिस्टम के साथ, इस पे कोई भी ब्लूटूथ 15 मिनट से ज्यादा कनेक्ट नहीं हो पा रहा है. हमने दो फोन के साथ ट्राई किया. मेरा एप्पल तो कनेक्ट नहीं हो रहा था सिंस डे वन, और अभी एंड्रॉइड के साथ भी ट्राई किया, वो भी कनेक्ट नहीं हो रहा है. चलो. और भाई दूसरा प्रॉब्लम ये जो है ना, 12 वोल्ट का चार्जर, बहुत ही लूज कनेक्शन, दोनों भी, फ्रंट भी और बैक भी. ओके, ये दरवाजा नहीं लगा. हाँ, गुड बॉय, वेरी गुड बॉय. नहीं आएगा बोल रहे. गुड गर्ल, बेस्ट. लेट्स गो गो गो. अरुआ है? अरुआ है क्या? अरु तो छोड़ दिया. अरु उधर ही रहेगी. अरु नहीं है भैया. मस्त मिला लेकिन रिसॉर्ट है, टाइम पास में फटाक से. अरु मटत नहीं ना? नहीं नहीं नहीं. ये काच कौन सा है? अरे भाई साहब, ये घाट में तो लगा दे रहे. देखो भगवान यार, ये पता नहीं यार, ये मेरे नसीब में क्यों ऐसे सब रोड जाते हैं. आई गेस कोंकण साइड. एक बार अंदर टर्न ले लिया, खत्म. और अब देखो, दूसरा कोई अच्छा डेस्टिनेशन है नहीं कोंकण के अलावा. महाबलेश्वर है, बट इट इज मतलब बहुत बार हो चुका है, बहुत क्लीशे हो. अच्छा, अच्छा रोड भी आता है यहाँ पे, बट आई से अब तक 20% घाट का रोड अच्छा था सिर्फ, और 80 में भगवान. हाँ ना यार, तो स्लो भी नहीं चला सकते ज्यादा, नहीं तो टाइम पे नहीं पहुंचेंगे जहां पहुंचने. हे भगवान, ओए भगवान, अरे भगवान, अरे भगवान. गगन बावड्याचे नाही रे.
रास्ता पड़ा है चौड़ा है ना उसका ये भी है अरे एनी टाइम एक और चीज अगर आप नोटिस कर रहे हो ये आवाज खड़ 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 ये देखो बैड रोड्स पे या फिर गड्ढा आता है तब अब देखो तो ये सर्विसिंग के टाइम पे कैलिपर पिन को ग्रीसिंग नहीं किया गया है इसलिए है तो वन मोर इशू ये सब इशूज में अभी आई एम मेकिंग अ नोट ऑफ इट और एक साथ सब एक दिन जाके सर्विस सेंटर में सब फिक्स करवा के लाऊंगा। ओके और अब बाप रे तो गाइस हम लोग ऑलमोस्ट अभी घाट उतरने में ही है बट ये नज़ारा देख लो यार इसके लिए मैंने बस रोका और ये साले चोर मंकी है यहाँ पे आई एम प्रीटी श्योर हाथ से कैमरा छीन के भागेंगे इसलिए जल्दी से देख लो फटाक से उसके बाद हम लोग निकलेंगे भागदेव का मंदिर है यहाँ पे हम लोग बस दर्शन करेंगे कि हमारी जर्नी अच्छी खासी हो एंड देन वी लीव 5 मिनट्स ब्रेक ओके कठिन परिश्रम के बाद थोड़ा स्मूथ रास्ता का मैं आनंद लेते हुए बस टर्न्स जो है ना वो बहुत ही ऐसे शार्प क्या हैवी हेयरपिन टर्न्स हेयरपिन टर्न देखो नए नए शब्द सीखने को मिलते हैं ऐसे जब या स्वैम टॉप टोटली कोई बात नहीं चलेंगे थोड़ा ए रास्ता अपना चलते मास्क पे तेरा लगाया था मैं उससे देख उसका खुद का नीचे था क्या बोलेंगे चलो माइंड ना टांग की नहीं इसको जरा सी भी आईडी नहीं आ गया उसके साथ क्या होने वाला अरे कसम से ओके भाई लोग अभी अपना टचवुड अच्छा रोड स्टार्ट हुआ है तो अच्छा ही रहेगा अभी महाड़ के बाद दापोली के बाद पालनी द लास्ट वी रेड 52 किलोमीटर्स फॉर दापोली ना महेश 57 तो अभी आई गेस एटलीस्ट 50 तूने देखा क्या 4 था क्या ओके 54 और उसके आगे एक 10 किलोमीटर है पालंदे द बीच हाँ एक जरूरी चीज हाँ के We all know के कोरोना का सिचुएशन है फिर भी हम लोग जा रहे हैं लेकिन यहाँ पे टूरिज्म खुल चुका है इसलिए हम लोग जा रहे हैं और हमने सबने पूरी तरह से प्रिकॉशंस ले लिए हैं और हम ज़्यादा घूमने भी नहीं वाले हैं वहाँ पे बीच एंजॉय करना है मोर लाइक अ स्टेकेशन राइट गाइस यस सो वी विल बी रिस्पॉन्सिबल बस यार रोड इतना अच्छा है ना लेकिन ये किसके आइडिया थी बीच में स्पीड ब्रेकर डालने की पता नहीं हटाओ यार भाई साहब रोड देख लो सपनों में रोज आए आ जिंदगी में आना सनम मो ले मो फिर से हिंदू के एक शाहरुख खान स्टैंडर्ड चार्टर्ड का टी शर्ट पहन के हाथ में गिटार लेके रानी मुखर्जी और काजल मितवा शी अरे रुक कुछ हो देखा बोलते हैं
कॉलेज फेस्ट कौन सा रहता है मुझको अरे वाह क्या हुआ है बिखरे है पाल तुमने बनाया है क्या अपना ये हाल कोई मिल गया कोई मिल गया मेरा दिल गया मेरा दिल गया क्या बताओ यारो क्या बताओ यारो मैं तो हिल गया कोई मिल गया मिल ही गया मिल गया हाँ मिल ही गया मिल गया टिक 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 खाटे भर क्या हो गया है मुझे लोग कहने लगे ये दीवानगी है क्या मेरी तो पता कैसे क्या हो गया हाँ कल तक मुझको सब होश था दिल में खुशियों का जोश था हड्डियों का जोश था दीवानगी है क्यों कोई मिल गया मेरा दिल गया क्या बताऊं यारो ओ मैं तो हिल गया कोई मिल गया यारा मिलना हमारा जाने क्या रंग लाएगा अपने ये दिल रह पाए थोड़ा सा तू पागल थोड़ा सा दीवाना मुझे दिल में रखना नजर में छुपाना तेरा मेरा रिश्ता किसी ने न जाना यारा ओ यारा गाइस विद दैट हमारा सेकंड घाट शुरू हो चुका है बस इसको जल्द से जल्द क्रॉस करना है और पहुंचना है अभी ना वो सनसेट नहीं मिस करना है बट वो स्पीड ब्रेकर्स की वजह से ना मेरा बहुत टाइम वेस्ट हो गया और वो खराब रास्ते की वजह से बट लेट्स सी क्या होता है आई कीप यू पोस्टेड यहाँ तक जिन्होंने देखा है यार अगर पसंद आ रही है अपनी रोड ट्रिप बड़े दिनों बाद अपने कार में मार रहे हैं यार अगर दिल से पसंद आ रही है ना तो लाइक ठोक दो यार सब्सक्राइब कर दो प्लीज़ इतना मोटिवेशन मिलता है ना मैं अपने दोस्तों के पास भी भीख मांग मांग के थक गया हूँ आपसे भी मांगते रहता हूँ कुछ तो कर दो यार करिश्मा दिखा दो जलवा दिखा दो प्लीज़ ताकि देखो मेरी वीडियो ज्यादा तो आती नहीं है लेकिन जितनी भी आती है आई होप मजेदार हो तो मिस नहीं होनी चाहिए आपसे इसीलिए वो बेल आइकन तुम दबा दो सबसे पहले वो लाल बटन दबा दो चलो अभी वहाँ पे पहुँचने से पहले आई टर्न द कैमरा ऑन जितना दिन में कवर कर सकता था कर लिया आगे भी देखूंगा एक बार अंधेरा हो जाने के बाद मैं भाई साहब आ गया भाई साहब फिर से मालूम है इधर ये स्टेट हाईवे को लेके जाएगा 200 मीटर आगे एसटी है ते पटकन चल क्या बात कर रहा है बड़ी है क्या एसटी मोटी सा स्टेशन बड़ी है छोटी नहीं नहीं मंजे शिवशाही का नॉर्मल लाल डब्बा है तो सही हिरवा डब्बा एशियाड एशियाड नहीं मारा अभी किधर से जल्दी जाओ ये चांद पे हम लोग अभी वो सोचेगा नहीं वो बात वो डायरेक्ट डोंट वरी मैं उसको आगे नहीं जाने देगा किसी भी कीमत पे आज उसको मेरे पीछे ही चलना पड़ेगा
इतना छोटा है ना तो खेड़ नहीं था पुलिस नहीं इधर है लेफ्ट है सीधा लेफ्ट लेफ्ट तो ये सीधा क्यों दिख रहा है फिर और देवा जान दे भाई एसटी को क्यों है ना आगे पूरा रास्ता ऐसे मेरे को रिक्स नहीं लेने का उधर गया स्किम अरे क्या जोक है यार पोपट हुआ तेरा पोपट ये वाला लोग घाई कर रहे थे मैं देखा भी नहीं एसटी को ये वाला डालना चाहिए आज से इग्नोर की क्या कर रहे हैं नीचे पानी दो रहे अच्छा गाड़ी दो रहे भाई उसको संभालने को बोल गाड़ी में पानी गया ना मेरे कौन से मौसी का लड़का है वो उसको मालूम है क्या होता है हमारी भी मौसी का लड़का नहीं है लेकिन हमको दर्द पता है क्या है उसको मालूम रहेगा ही न्यू नोस द साइड इफेक्ट्स ऑफ दैट फील द पेन फील द पेन अरे यार ये कहाँ से हम लोग फिर से चांद पे आ गए यार अच्छा प्लेन रास्ता था हाँ ना रनवे पे थे भाई साहब मस्त गाना गा रहा था इतना मैच तभी बोलोली 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 हाँ मैन ओ फिश सब फिश खाऊंगा ना मैं गाइस आई थिंक हमको सनसेट यहीं से देखना पड़ेगा अगर आप देख सकते हो कान में जाएंगा आई थिंक वी शुड रीच वन आवर ही दिखा रहा है वन आवर अबे अंधेरा हो जाएगा अबे वन आवर टू मच होता है एक तो ये अपन वेस्ट में आए तो फिर अभी यहाँ पे सनसेट जल्दी होता है ये तो इधर कुछ तो 5-6 मिनट का डिफरेंस होता है अपने यहाँ पे ज्यादा जल्दी होता है नहीं रे वेस्ट में पहले होता है ना डे पार्टी मित्रों सनसेट हो रहा है आई डोंट नो इफ यू कैन सी बट आज का हमारा सनसेट यही से हाँ समंदर वाला मिस हो गया बट देखो कैसे दिख रहा है लाल आग का गोला more 30 kilometers to go abhi fir road is nice and I hope it stays that way abhi aadhe kilometer pehle shuru hua hai acha road by the way sun gaya na pehle dapoli gaao aayega gaao dapoli gaao okay to hum pahunch gaye hain apni trip ke antim charan mein I hope aapko dikhai de raha hai लिटरली 3-4 किलोमीटर बचे हैं डेस्टिनेशन आने के लिए एंड अभी मैं गाड़ी रोक के GoPro के नाइट सेटिंग्स नहीं चलाना चाहता और जो मैंने कहा था कि रात का भी ठीक से आएगा वो भी अभी नहीं हो पाएगा क्योंकि वो जो जुगाड़ है वो बैग में है और बैग आपको पता है डिक्की कैसे भरा है आज तो उसको ढूंढने के लिए फिर से पूरा निकालना मतलब फिर टाइम वेस्ट हो जाएगा बट नेक्स्ट व्लॉग में डेफिनेटली आई लो अरे पागल है क्या तो कम क्यों हो रहा है लो बीम क्यों दिया फिर पानी डेफिनेटली दिखा दूंगा फुल क्रैक है भाई आपने फुल क्रैक है सर अभी मैं क्या करूंगा अभी हम लोग रिजॉर्ट पे जाएंगे फ्रेश होता हूँ और फिर आपको रिजॉर्ट का भी टूर दे देता हूँ खाने पीने का भी बता देता हूँ क्या क्या बोलता हूँ महेश तो यस स्टे ट्यून्ड गाइस एक उठे और एक और बार कहूंगा मैं कि यहाँ तक आई गए हो तो लाइक का बटन दबा दो I'll definitely like it पहुँच गए हम लोग श्री गणेश साई रिजॉर्ट इन पालंदे नियर दापोली पालंदे बीच आपको रूम का टूर दे देता हूँ फिर यार फ्रेश होंगे नहा धो के एकदम फोकस बाबा क्या कर रहे हैं नहा धो के तैयार होंगे फिर मज़ा आएगा ओए सुबह अच्छे ये सिटिंग एरिया रेस्टोरेंट वगैरह ये सुबह में ना मैं आपको एकदम ढांसू व्यू देने वाला हूँ इसका लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो कल के व्लॉग में हो या फिर अगले व्लॉग में होगा डे टू इज़ गोइंग टू बी डे टू ये बीच समंदर का पानी आई नो ठीक से नहीं आ रहा है क्योंकि लाइट का एल भी नहीं है बट टुमारो अभी मेरे को फ्रेश होने दो हम लोग अभी बातचीत करेंगे थोड़ा सा गप्पे शप्पे आपको पता है वो मेरा है
दैट इज माइन। दो शंतनु ऊपर को दो बोतल। हाय वीना, ये मेरा है बट हाँ। किसका है? नो ओके भाई साहब, अभी देखो अभी तक अनपैकिंग नहीं किया मैंने, मेरा बैग है। अरे यार उसको सबको हटाओ यहाँ से। अभी अभी जस्ट मैं लाइव आया था यूट्यूब पे न्यू ईयर का क्या प्लान है ये जानने के लिए। काफ़ी मज़ा आया यार अपने भाइयों से बात करके। थैंक यू सो मच फॉर यू नो शोइंग द सपोर्ट एंड लविंग। इतना मज़ा आता है ना मेरे को। दादा थैंक यू। अभी फ्रेश होने वाला हूँ, टॉलिया आ गया है, अभी अनपैकिंग भी नहीं किया है कुछ, तो अनपैक करके फ्रेश होके रेडी नहा धो के आगे व्लॉग कंटिन्यू करते हैं। हाँ एक जरूरी टिप, जब भी कोंकण में आए अपना गुड नाइट अपने साथ लेके आए, मच्छरों का भरोसा नहीं है। ओके हो गया हूँ मैं और रूम बहुत ज़्यादा प्रीमियम नहीं है बट रूम बहुत ज़्यादा क्लीन है और यही मुझे चाहिए। एक बार आपको बस देखो एसी वगैरह भी है, बस एक बार आपको वॉशरूम दिखा देता हूँ क्योंकि वो क्लीन होना एक्चुअली बहुत ज़रूरी है एंड आई एम सो ग्लैड। टाइम इज कितने हैं यार, 8:05 तो बहुत टाइम है अपने पास, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कल रात से मैं सोया नहीं हूँ, आज मैंने इतनी गाड़ी चला ली है और दोपहर में मैंने भाई साहब जुबा के चोचले मैंने खाया चिकन। मैं बोला यार ख़त्म है अभी, यार क्या हो रहे हैं यार, मैंने खाया चिकन बोला अभी ख़त्म है, अभी गाड़ी चलाते चलाते ही शायद मैं सो जाऊंगा, बट आई एम सो ग्लैड मैं नहीं सोया। एक रिस्पॉन्सिबल ड्राइवर की तरह सबको सेफ एंड साउंड यहाँ पे लेके आया।